हम क्लास टू की हिंदी व्याकरण बुक का चैप्टर 3 समझेंगे और उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3, शब्द और वाक्य। शब्द क्या है? जिसका कुछ अर्थ निकलता है, जिस शब्द का कुछ अर्थ निकलता है वे शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ ना निकले वह शब्द नहीं कहे जा सकते। तो शब्द किसे कहते हैं? स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनने वाला वह वर्ण समूह जिसका अर्थ होता है शब्द कहलाता है। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह है जो शब्द कोई न कोई अर्थ रखते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, मेज तथा किताब। अब निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वर्का, वेज तथा विताब। अब यह अर्थ की दृष्टि से थे। अब प्रयोग की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से भी 2 प्रकार के थे और प्रयोग की दृष्टि से भी 2 प्रकार के हैं। प्रयोग की दृष्टि से विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या है? तो जिन शब्दों में लिंग तथा वचन के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, वह गाना गाएगा। इसमें छात्र और रहे, वह गाएगा, यह विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के रूप में होते हैं। अब अविकारी शब्द क्या है? तो जिन शब्दों में कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे सूरज तेज चमक रहा है, घोड़े तेज दौड़ रहे हैं। तो इसमें यह जो रेड कलर का है यह अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। अब वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य कैसे बनते हैं? तो शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या है? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे राम खेलता है। यहाँ राम के विषय में कहा गया है इसलिए राम उद्देश्य है। अब विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है, जैसे राम खेलता है। इस वाक्य में उद्देश्य राम के विषय में कहा गया है, अतः खेलता जो है सो विधेय है। अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का जो समूह पूरा भाव प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। अब इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें टिक करना है। बर्तन में दूध है, यह वाक्य किस शब्द का है? तो यह है अविकारी शब्द। इसमें फर्स्ट में टिक करना है। उद्देश्य तथा विधेय भाग है किसके? तो वाक्य के। इसमें टिक कर देना है। अब इसमें है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित उद्देश्य भरिए। इसमें आप लोग को समझ के भरना है, जैसे यहाँ पे राम हैदराबाद गया था, वह क्या कर रहा है? मोहन मैच देख रहा है, रमन पतंग उड़ाएगा, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। प्रश्न 3, गोले में दिए गए शब्दों में से सार्थक निरर्थक शब्द छांटिए। तो इसमें से सार्थक शब्द छांटकर आप लोगों को इधर लिखना है और निरर्थक शब्द इधर। काम वाम, तो काम सार्थक शब्द हुए इधर आएगा और वाम निरर्थक इधर है। किताब, पत्थर, राहुल, भोला, कोमल, पशु, पोथी, गमला, पानी, ऊंचा, मिठास, सड़क, रचित, पलक, यह सब सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द कौन कौन हुए? तो फरका, वोटी, कुटास, वफड़ा, वरक, यह सब निरर्थक शब्द हैं। तो इसको इधर राइट करना है। अब इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो वाक्य है तोता उड़ता है, इसमें तोता उद्देश्य है, इधर राइट होगा, और उड़ता विधेय है, इधर राइट करना है। शेर उद्देश्य में और दहाड़ता विधेय। कफिल दिल्ली गया, कफिल उद्देश्य और दिल्ली गया विधेय।
वह परिश्रमी है, वह उद्देश्य और परिश्रमी विधेय। बाग में फूल खिले हैं, बाग उद्देश्य और फूल खिले विधेय। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। हाथी लकड़ी उठाती है, नहीं, हाथी लकड़ी उठाता है, इसमें राइट करना है। देव और अंशु खेलने जाते हैं, अवनी ने स्वादिष्ट चावल बनाया, आज हम खेलने नहीं जाएंगे, लड़का बहुत रो रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।